Hello students, let's have a look on one question on the basis of type 2. Type 2 और method 2 आप जिसको बोल सकते हैं, हमने उसे criteria मैंने last section में बताया था. अब हम उसपे एक numerical solve कर रहे हैं, देखते हैं कि कैसे solve होता है. तो type 2 question है ये. Question 1, solve the differential equation x square y minus 2x y square dx minus x cube minus 3x square y dy is equal to 0. तो ये आपका question है. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी बार आ चुका है पीटीयू दिसंबर में, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर में दिसंबर 2003 में आ चुका है, 2010 में आ चुका है और 2013 में भी आ चुका है. कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा में 2011 में आ चुका है. वेस्ट बंगाल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वेस्ट बंगाल में 2013 में आ चुका है. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो जस्ट लुक एट इट. ओके, द गिवन डिफरेंशियल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x square y, ss नोट डाउन किया, उसको इक्वेशन 1 नोट किया हमने. सबसे पहला काम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने से पहले मैंने देखा मैक्सिमम dy/dx है और मैक्सिमम 1 है dy/dx की. तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो हमेशा इनके लिए क्या करते हैं, पहले आप हमेशा mdx plus mdy से इसको कंपेयर करते हैं और एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट चेक करते हैं. मैंने यहां से m निकाला, दिस इज योर m, एन निकाला दैट इज माइनस, ध्यान रखिएगा जो भी यहां साइन होगा वो एस एच आएगा उसके साथ, तो माइनस है तो माइनस आएगा एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई. तो एम का किसके रिस्पेक्ट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, आपको पता है एम का रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो जब रिस्पेक्ट टू वाई आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एलटी आएगा, वाई का वन आएगा, या वाई स्क्वायर है तो टू वाई बनेगा उसका, तो सोल्व करके फोर एक्स वाई आएगा. सिमिलरली एन आपके पास है, एन का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे आप रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट इट्स ऑलवेज गुड की थियरी थोड़ी बहुत आप लिखे, जैसे मैंने दो तीन लाइनें थियरी की लिख रखी है पूरे सॉल्यूशन में, तो इट्स ऑलवेज गुड. तो वी गेट कर्ली एन कर्ली एक्स कितना आया, माइनस एज इट इज, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर आया, एक्स की अगर टू एक्स आएगा तो सिक्स एक्स वाई आएगा. हमने चेक किया दोनों की वैल्यू मैच नहीं कर रही, सो सिंस कर्ली एन कर्ली वाई इज नॉट इक्वल टू कर्ली एन कर्ली एक्स, इसका मतलब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी वन है ये आपकी एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है. ठीक है, तो जैसे ही नॉन एग्जैक्ट की बात आई तो देर आर सिक्स वेज, मेथड 1, मेथड 2, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अप टू 6. तो टाइप 1 आप चाहे तो इस पर ट्राई कर सकते हैं बट वो नहीं लगेगी. आप देख सकते हैं कहीं भी यहां बाय इंस्पेक्शन मेथड से आप कहीं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई नहीं दिख रहा, एच डी वाई प्लस वाई डी एक्स नहीं दिख रहा, या एच डी वाई माइनस वाई डी एक्स नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, तो हम इस पर बाय इंस्पेक्शन नहीं लगा सकते. आप ट्राई जरूर कर सकते हैं इसके लिए, बट लकीली मैंने एक चीज नोट डाउन कर ली, यहां इस टर्म की डिग्री कितनी है, इट्स डिग्री इज 3, इट्स डिग्री इज 3, एक्स एन इसकी वन पावर है, टू है तो ओवरऑल 3 होगी, कि जब भी वेरिएबल प्रोडक्ट में होगी तो पावर ऐड होगी, इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है, तो एम और एन की हर टर्म की डिग्री सेम है. तो इसका मतलब सो सिंस एम एंड एन आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, ये होमोजीनियस फंक्शन है, उनकी डिग्री कितनी है 3. तो मैंने बताया था जब भी एम और एन होमोजीनियस फंक्शन होंगे तो टाइप 2 एन भी एप्लीकेबल या मे भी एप्लीकेबल, मे भी इसलिए बोल रहा हूं आपको ट्राई करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है लगी जाए. चलो ठीक है, सो बाय मेथड 2 टाइप 2 आप बोल सकते हैं. तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताता है टाइप 2, 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई. ओके, तो 1 ओवर एम इज देयर एक्स प्लस एन इज देयर वाई, आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल होने के बाद 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा. अब चेक करेंगे आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो ठीक है, तो एम एक्स प्लस एन वाई 0 नहीं है, साथ के साथ डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल एक टर्म है 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज अ सिंगल टर्म, तो जब भी डिनोमिनेटर में एक ही टर्म आएगी तो यस इट कैन बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर.
ठीक है, तो ये मेरा मोस्ट प्रोबेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फायदा क्या है, हम उसको जो नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट हमारी इक्वेशन वन है, हम इक्वेशन वन को नॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आपका एग्जैक्ट आना चाहिए। तो बाय सो नाउ बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन, दिस इज योर इक्वेशन वन जो हमने नॉन एग्जैक्ट निकाली थी, बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट। तो वन बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लगाओगे तो इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, बांटो, एक्स स्क्वायर वाई के नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे वन बाय वाई आएगा, इसके नीचे अलग करोगे तो टू बाय एक्स आएगा, एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे तो एक्स बाय वाई स्क्वायर आएगा और इसके नीचे अलग से करोगे तो थ्री बाय वाई आएगा। ये बेसिक सी बातें आप कर सकते हैं, कोई नई छोटी बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैं पहले बता देता हूं, आपकी एम और एन में सिर्फ एक्स वाई की पावर है, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक सॉरी लॉगरिथमिक वगैरह टर्म्स नहीं है, तभी हम टाइप टू को सोच पाए। अगर उसमें नहीं और उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक टर्म होती तो टाइप टू और टाइप थ्री सिंपली स्किप हो जाती, हम डायरेक्टली टाइप फोर पर पहुंच जाते। चलो ठीक है, उसको बाद में कर सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन टू आ गई आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नॉन एग्जैक्ट को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये आ गई। अब होपफुली ये जो इक्वेशन टू है ये आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए, बट इट्स ऑलवेज गुड कि आप उसको एग्जैक्ट चेक करें। जरूरी नहीं है कि हर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक होता है, तो जरूरी नहीं है कि जैसे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो वो ठीक ही होगा। तो हमेशा अच्छी बात है आप हमेशा उसको दोबारा रीचेक करें कि जो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा बनी है वो एग्जैक्ट है या नहीं। कि वो एग्जैक्ट होगी तभी वो हम उसको सोल्यूशन निकाल पाएंगे, क्या पता वो एग्जैक्ट ना बने, चेक करेंगे। अगर एग्जैक्ट नहीं बनेगी तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर गलत था, किसी और तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। चलो तो हमने दोबारा इसको ट्रैक चेक करना है, तो इसको मैंने एम डैश मान लिया, एम डैश डी एक्स प्लस एम डी एस एम डैश डी वाई इक्वल टू जीरो, ये मैंने नई डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली। दिस इज योर एम डैश, दिस इज योर एम डैश, एम का एम डैश का सेक्टर वाई करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद सेक्टर वाई वी गेट कर्ली एम डैश बाय कर्ली वाई वन बाय वाई डेरिवेटिव। आपको पता वन बाय वाई का कितना होता है, माइनस वन बाय वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई बार माइनस वन ने यहां पावर आ गया एक पावर कम हुई तो माइनस वन बाय वाई स्क्वायर, और माइनस टू बाय एक्स का क्योंकि इसमें कोई वाई की टर्म नहीं है तो कॉन्स्टेंट है तो इट्स डायरेक्टिविटी जीरो। सिमिलरली एन का सेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स का वन आएगा तो माइनस वन बाय वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, और थ्री बाय वाई में एक्स है ही नहीं तो वो मेरे लिए कॉन्स्टेंट है तो उसका डायरेक्टिव जीरो आएगा। तो कर्ली एम डैश पर कर्ली वाई आया माइनस वन बाय वाई स्क्वायर, और कर्ली एम डैश पर कर्ली एक्स भी आया माइनस वन बाय वाई स्क्वायर। लकीली बोथ आर इक्वल, इसका मतलब इक्वेशन टू इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन वन नहीं इक्वेशन टू इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये अब भी इक्वल नहीं आता, लकीली यहां इक्वल आया तो इसका मतलब ये मेथड अप्लाई हो गया, इस पर मेथड टू इज अप्लीकेबल नाउ, ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब इसके बाद सोल्यूशन ही निकालना है। अगर सपोज अब भी इक्वल ये नहीं आता तो इसका मतलब मैंने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था वो गलत था, हम दोबारा किसी नए तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसको सोल्व करेंगे। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल से मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार एग्जैक्टनेस जरूर चेक कर लें, ठीक है। मैंने फुल ऑन क्वेश्चन आपको करा दिया सो दैट आपको कोई डाउट ना बचे, ठीक है, क्या क्या लिखना है क्वेश्चन में। नाउ सो वी आर पेंडिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट, नाउ as we know that complete solution of exact differential equation, exact differential equation 2 is written as, formula kya tha, इंटीग्रेशन सेम के रिसेक्ट करते हैं तो जो एक्स के साथ है उसका एक्स के रिसेक्ट करेंगे और जो एक्स वाई के साथ है उसका रिसेक्ट वाई करेंगे। आपको पता है यहां एम का रिसेक्ट एक्स करना है तो वाई के बारे में कुछ बताना पड़ेगा तो वाई हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं और यहां फ्री फॉर्म एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स, और याद रखिएगा एग्जैक्ट जो है वो ये, इसलिए मैंने फॉर्मूले में एम डैश और एन डैश लिखा क्योंकि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है।
एम डैश की वैल्यू कितनी है, 1 बाय वाई माइनस 2 बाय एक्स डीएक्स, इट इज वाई कॉन्स्टेंट, प्लस एन डैश की वो वैल्यू जो फ्री फॉर्म एक्स है, तो इसमें तो एक्स पड़ा है तो उसको नहीं लेंगे, तो क्या बचा, 3 बाय वाई डी वाई सी। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो कर भी देते हैं इंटीग्रेट, सो दैट क्वेश्चन पूरा ही सम खत्म हो जाए। ठीक है, आपको बता दें रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 1 बाय वाई आपके लिए क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं 1 बाय वाई एक्स, 1 बाय वाई कॉन्स्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, माइनस 2 इज फाइन, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लोग एक्स, आपको पता होना चाहिए 1 बाय एक्स का, इसी तरह 1 बाय वाई का रिस्पेक्ट टू वाई लॉग वाई इज इक्वल टू सी, आंसर इज एक्स बाय वाई माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग वाई इज इक्वल टू सी। आप एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं। दैट्स हाउ द दिस वेरी क्वेश्चन वाज सपोज्ड टू सॉल्व, ये हुआ सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, मैंने चेक की एग्जैक्ट है नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट मिली, फिर मैंने देखा टाइप 1 से सोल्व करूंगा या टाइप 2 से, टाइप 1 से नहीं सोल्व हो सकती है, टाइप 2 मैंने देखा होमोजीनियस टर्म हो रहा है तो टाइप 2 लग सकती है, तो टाइप 2 अप्लाई की, उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला वो ठीक निकला, उसके बाद उसको चेक भी कर लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, जो नहीं बढ़ी वो एग्जैक्ट बनी या नहीं बनी वो भी ठीक निकला, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट बना चुका हूं और मैं उसको सोल्व कर दूंगा, यानी उसका सोल्यूशन लिख सकता हूं, वो मुझे पता है कैसे लिखते हैं और इंटीग्रेशन करके हल सकते हैं। तो दैट वॉज अ अनदर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो टाइप 2 का एक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, टाइप 2 का एक न्यूमेरिकल और करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, बट मैं इतनी डिटेल में नहीं करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेक करना है, वो ध्यान रखिएगा।